अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज माय लेक्चर नंबर टू वेयर बाय यूजफुल टिप्स फॉर ऑल राउंड्स ऑफ जुडिशियल एग्जामिनेशंस विल बी इम्पॉर्टेड। एज यू नो दैट ईच राउंड फ्रॉम एग्जामिनेशन एफएकेसी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट and we shall discuss first round, that is a screening test. Whatever its important tips are to be shared, and that will be on the screen, and you can take the screenshots. A screening test. This round successfully passed by the intelligent candidates. जो इंटेलिजेंट कैंडिडेट्स होते हैं उनकी इंटेलिजेंट दैट इज अ गॉड गिफ्टेड, दैट इज नॉट सेल्फ क्रिएशन, दैट इज अ गॉड गिफ्टेड। तो ये फर्स्ट राउंड उनको सूट करता है, हाउ टू सक्सेसफुली अकम्प्लिश इट, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअलिटी के अंदर सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनसे वो करेक्ट रेटिंग जो होती है उसकी आंसर की, जो ऑप्शंस फोर होते हैं उसमें से ले लेते हैं। वो कैसे लेते हैं, उसके जो भी मॉड्यूल्स हैं, लिंक्स हैं, हमने यहाँ दी हुई है। डीप एंड थारो स्टडीज नॉट अ प्री रिक्विजिट ऑफ दिस राउंड। ये जरूरी नहीं है कि आप इतनी स्टडी करें, 24 घंटे स्टडी करें, 18 घंटे स्टडी करें और आप स्क्रीनिंग टेस्ट पास करें। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने के लिए किसी स्टडी की जरूरत नहीं है, और खास स्पेशली स्क्रीन टेस्ट की स्टडी तो होती नहीं है, आप जो प्रोविजंस पढ़ते हैं वो काफी होता है, क्योंकि प्रोविजंस को एक ट्विस्ट करके एक क्वेश्चन बनाया जाता है जो वो सक्सेसफुली कैंडिडेट उसका जो आउटपुट लेता है, जिनको उसकी डेप्थ में या उसकी जो भी जिगजैग्स हैं उससे वो उस क्वेश्चन की करेक्ट रेटिंग जो है ऑप्शन है वो निकाल लेता है। The MCQ set forth under this round are zigzag, tricky, twisted, situation and statement based. आपने देखा कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं होगा इसके अंदर, ये नहीं आता रेस जुडिकेटा इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 11, 12, 13 और 14 ऑफ दी सीपीसी। चार ऑप्शन, एक सेक्शन 11, दूसरा 12, तीसरा 13 और चौथा 14, नेवर, क्योंकि इसके अंदर इसको पता है कि भाई सेक्शन ये रेस ड्यूटी काटा सबको आता है, लेकिन रेस ड्यूटी काटा की भी वो डेफिनेशन आपको एमसीक्यूज के अंदर देंगे जो सिचुएशन बेस्ड होगी, जिसको ट्रिकी और ट्विस्टेड मैनर में, क्रूक्ड मैनर में आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। तो उसके अंदर जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो उसकी बॉटम लाइन में पहुंच जाते हैं। Answer of the asked MCQ happens to be available in one of the four options, and that is often rated by the intelligent candidates as correct one. Frequently, that correct answer is outcome of a common sense rather than knowledge or deep study at law. Common sense, law के अंदर जो common sense है, आपको पता है common sense is outcome of the jurisprudence. जूरिस्प्रूडेंस लॉ के अंदर एक सब्जेक्ट है, उसकी एक्चुअली जो परपोर्ट है वो कॉमन सेंस, उसकी बिल्डिंग कॉमन सेंस पे है। तो उसके अंदर जिसका जितना कॉमन सेंस एक्यूरेट होगा वो उस इम्तिहान को सक्सेसफुली अकम्पलिश करेगा। फॉर इंस्टेंस यू विल फाइंड फोर ऑप्शंस ऑफ द आस्क एमसीक्यू। Naturally, there will be four options of every MCQ, or three, four, or five. Do you know the correct answer of that MCQ? Suppose you don't know, then what may be the correct option out of those four options? What will you do then if don't know the correct option? What will be your strategy? You will read the question once again, जो मैंने इसको सजेस्ट किया है यहाँ वो ये, आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। आपने पहले क्वेश्चन पढ़ा
और क्वेश्चन पढ़ने के बाद चार ऑप्शंस एक साथ पढ़ लिए तो आपको पता नहीं चला, क्योंकि ऑप्शन नंबर वन भी नहीं आया, ऑप्शन नंबर टू भी नहीं आया आपको, ऑप्शन नंबर थ्री भी नहीं आया, ऑप्शन नंबर फोर भी नहीं आया। तो फिर मैंने एडवाइस किया कि आपको चार ऑप्शन में से कोई नहीं आता तो आप ऐसा करें, क्वेश्चन को फिर से पढ़ें, क्वेश्चन को फिर से पढ़ें। यू विल रीड द क्वेश्चन वंस अगेन, यू विल ट्राई टू मेमोराइज द क्वेश्चन एंड वंस अगेन रीड द फोर ऑप्शन ऑफ दैट क्वेश्चन। मेमोराइज करने से ये फायदा होता है, आपके जहन में वो क्वेश्चन होता है, उसका थर्स्ट आपके जहन में होता है, उसको मैच करके फिर ऑप्शन पढ़ेंगे। पहले आप क्या करते थे, क्वेश्चन आपने पढ़ा उसके थर्स्ट को सही माना में नहीं समझा, फिर आपने ऑप्शन पढ़े वो भी आपको नहीं आए, तो फिर दूसरे मरहले में जो मैंने सजेस्ट किया तो आप उसके जो थर्स्ट है क्वेश्चन का उसको मेमोराइज करें, यू विल फाइंड द आंसर। उसके बाद क्योंकि चार ऑप्शन में से कहीं ना कहीं कोई ऑप्शन होगा। करेक्ट आंसर इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू रियली अंडरस्टैंड द थर्स्ट ऑफ द आस्क्ड क्वेश्चन। वन प्रैक्टिकल इंस्टेंस अंडर टू एमसीक्यू साइटेड हियर विद फॉरवर्ड रेफरेंस। मैंने दो एमसीक्यू आपके लिए एज अ प्रैक्टिकल मैंने बनाए हैं, जिससे मैं आपको प्रैक्टिकली एक्टिविटी करके दिखाता हूँ। तो आप इम्तिहान के अंदर हैं, अभी आपको कुछ पता नहीं, इसको आप सक्सेसफुली अकम्प्लिश कैसे करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। टू एमसीक्यूज फॉर इंस्टेंस, एक क्रिमिनल का है और एक सिविल का है। एग्रीमेंट ऑफ टू पर्संस टू डू एन अनलॉफुल एक्ट बाय अनलॉफुल मीन्स इज कॉल्ड। अभी देखिए इसका थर्स्ट पहले समझेंगे ना, कि एक ऐसी एग्रीमेंट है जो दो दरमियान दो बंदों के या दो से ज्यादा बंदों के दरमियान में एक एग्रीमेंट है, जिस एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो है अनलॉफुल एक्ट बाय अनलॉफुल मीन्स। एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट है बाय अनलॉफुल यानी एक्ट बाय अनलॉफुल मीन्स, दिस ऑब्जेक्ट। ऑप्शंस देखते हैं, कंस्पायरेसी, पार्टनरशिप, अनलॉफुल असेंबली और चौथवा है नन ऑफ द अबव। अभी देखिए आप जरा इसको, आपने देखा, अभी आपने देखा, आपको पता नहीं है, आपको इसकी ऑप्शन में से किसी का भी पता नहीं, यू आर लेमन। अभी आपको इसको करेक्ट रेटिंग करनी, कैसे करेंगे? देखिए आपने पहले क्वेश्चन के थर्स्ट को समझा कि भाई एक ऐसी एग्रीमेंट जो दो या दो से ज्यादा बंदों के दरमियान में होती है और उस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है और जिसके अंदर मीन्स है वो भी अनलॉफुल है, तो क्या कंस्पायरेसी के अंदर ये हो सकता है? तो आपने कहा कंस्पायरेसी तो मैंने पढ़ा नहीं है, आपने कंस्पायरेसी पढ़ा नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर दिया। फिर आ गए पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप के अंदर जब आ गए तो पार्टनरशिप जनरली एज अ यानी एक जनरल लॉ, उसको आप लॉ पर्टिकुलर पार्टनरशिप एक्ट को छोड़ दें, पर्टिकुलरली एक जनरल लॉ के तौर पर पार्टनरशिप दो या दो से ज्यादा बंदों के दरमियान में होती है और पार्टनरशिप का मकसद ये होता है कि हम ये कोई भी बिजनेस है उसके अंदर हमारी पार्टनरशिप है, एक स्लीपिंग पार्टनर होता है, एक एक्टिव पार्टनर होता है, तो उसके अंदर जो मेनली उस आप यानी पार्टनरशिप का जो ऑब्जेक्ट होता है भाई उससे जो प्रोसीड्स आएंगे वो हम 12 महीने के बाद इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या इक्वली जो है उसका हम शेयरिंग करेंगे। तो पार्टनरशिप जो होगी तो अनलॉफुल एक्ट्स के अंदर कैसे होगी? तो वो तो पार्टनरशिप तो नहीं हुई, वो तो वाइड ट्रांजेक्शन हो गई। तो आपने कहा कि पार्टनरशिप के अंदर अनलॉफुल एक्ट नहीं हो सकता, तो आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, बोला नहीं, क्योंकि ये जो आपको कैलकुलेशन करनी है इस पर आप मोमेंट्स में करनी है, सेकंड्स में करनी है, इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लेना है। क्योंकि मैं समझा रहा हूँ इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से आपका जो ब्रेन है, जो कंप्यूटर है, किस तरह से वर्क करेगा। तीसरा ऑप्शन है अनलॉफुल असेंबली। आपने कहा अनलॉफुल असेंबली, चूंकि मैंने पहले भी आपको कहा था आपने एक महीना पढ़ा हुआ है, एक महीने के अंदर लॉ की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है, आपने देखा अनलॉफुल असेंबली जो है वो पीपीसी के अंदर आता है और अनलॉफुल असेंबली के अंदर चार या पांच से ज्यादा बंदों का होना जरूरी है, यहाँ दो और मोर पर्संस हैं, तो यानी टू पर्संस के नॉट कम अंडर अनलॉफुल असेंबली, तो आपने इसको भी निकाल दिया। तीसरा है नन ऑफ द अबव, आपने इसको भी निकाल दिया। अभी आपको कंस्पायरेसी का पता नहीं है लेकिन पार्टनरशिप भी नहीं है, अनलॉफुल असेंबली भी नहीं है, नन ऑफ द अबव भी नहीं है, तो आप इस कंस्पायरेसी को रेटिंग करेंगे जो उसको आपको पता नहीं है, लेकिन आंसर सही जाएगा, आंसर करेक्ट, क्योंकि आपको तीन में इसमें से आपने एग्री नहीं किया, क्योंकि उसको आपको पता है कि पार्टनरशिप अनलॉफुल मीन से नहीं होगी, पार्टनरशिप के अंदर अनलॉफुल एक्ट नहीं होगा, अनलॉफुल असेंबली में दो पर्सन नहीं होंगे और नन ऑफ द अबव तो कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा इसका आंसर कंस्पायरेसी है। लेकिन अगर आपकी स्टडी है
तो ये जो एग्रीमेंट ऑफ टू आर मोर पर्सन टू डू एन अनलॉफुल एक्ट, अनलॉफुल मींस, ये इसकी डिक्शनरी मीनिंग है कंस्पायरेसी, ये लीगल डेफिनेशन नहीं है। लीगल डेफिनेशन है 120A पीपीसी, लेकिन वो लीगल डेफिनेशन जो इसकी 120A में है वो डिक्शनरी में भी है, वेबस्टर्स लॉ डिक्शनरी में भी है और ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में भी है कि भाई एग्रीमेंट जो दो बंदों के दरमियान या दो से ज्यादा हो उसके अंदर अनलॉफुल एक्ट हो, कंस्पायरेसी होता है ना भाई, इस बंदे को इस तरह से मारना है या आप कोई कंस्पायरेसी इस तरह से हैचिट करें, मैं आपको इस तरह से प्रोटेक्ट करूंगा या सेफ गार्ड प्रोवाइड करूंगा, तो ये कंस्पायरेसी है। अगर आपको पता है, आपका पढ़ा हुआ है, तो आप डायरेक्ट इसको रेटिंग करेंगे, अगर पढ़ा हुआ नहीं है फिर भी आप इसको रेटिंग करेंगे, क्योंकि इसके अंदर इंटेलेक्चुअलिटी रिक्वायर्ड है। इसका मैंने इंस्टेंस दिया, अभी दूसरे इंस्टेंस पे आते हैं। अ कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशंस बाय आर अगेंस्ट अ पर्सन लीगल आर ज्यूरिस्टिक टू सीक अ रीड्रेस फ्रॉम कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ इज नोन एज, तो आप मेरी क्वेश्चन को समझेंगे, समझने के बाद फिर ऑप्शंस बहुत में देखेंगे, पहले ऑप्शन नहीं देखेंगे, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। एक ऐसी कंसाइज स्टेटमेंट है जिसके अंदर एलिगेशन सेट है, जिसके अंदर या तो ज्यूरिस्टिक पर्सन मीन लीगल प्रोफेशन वाला लगाता है या उसके अंदर उसके खिलाफ लगते हैं, क्योंकि वकील केस दाखिल करता है, प्लेंट इज ड्राफ्टेड बाय एडवोकेट, उसके अंदर वो एलिगेशन लगाता है, उसके अंदर जो एलिगेशन लगाता है जो ज्यूरिस्टिक पर्सन है, तो ज्यूरिस्टिक पर्सन मीन्स लीगल प्रोफेशनल, लीगल प्रोफेशन जो एलिगेशन स्टेटमेंट के अंदर लगाता है टू सीक अ रिट्रेस, अपनी पार्टी का रिट्रेस हासिल करने के लिए फ्रॉम कोर्ट ऑफ लॉ, तो फिर क्या करेगा, एलिगेशन लगाएगा एक वकील या एक लीगल प्रोफेशनल या एक प्लीडर और अपने क्लाइंट के लिए रिट्रेस लेगा, तो क्या दाखिल करेगा। हमने ये सोचा ना, हमने ये क्वेश्चन को देखा, अभी हम ऑप्शन पढ़ते हैं। अभी ऑप्शन के अंदर आता है एफिडेविट, नंबर टू प्लेंट, नंबर थ्री रिटन स्टेटमेंट और नंबर फोर डॉक्यूमेंट। अभी हमने देखा कि भाई एक ऐसी स्टेटमेंट है जो एक ज्यूरिस्टिक पर्सन जो है जिसके अंदर एलिगेशन बनाता है और उसके अंदर एक बंदे का या अपने क्लाइंट का या किसी दूसरे बंदे का रिट्रेस कोर्ट ऑफ लॉ से लेता है, तो उस कंसाइज स्टेटमेंट जो है वो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, लीगल एलिगेशन क्या है जो एलिगेशन उसके अंदर लगते हैं, वो कौन सी यानी प्लेस पे लगेंगे और उसके लिए कौन सी चीज है जिसके अंदर ये एलिगेशन लगेंगे। एफिडेविट है क्या, एफिडेविट में एलिगेशन लगेंगे, आंसर इज नो, क्योंकि एफिडेविट में एवरमेंट्स आते हैं ऑन ओथ। अच्छा, नंबर टू प्लेंट, क्या प्लेंट में एलिगेशन लगेंगे, प्लेंट में भी एवरमेंट्स आते हैं, वो भी एवरमेंट्स ऑन ओथ भी आते हैं, लेकिन चूंकि ये है कि भाई उसके अंदर बंदा कोर्ट से रिट्रेस लेता है और एफिडेविट में रिट्रेस नहीं होता। नंबर थ्री रिटन स्टेटमेंट, क्या रिटन स्टेटमेंट कंसाइज स्टेटमेंट है, क्या ये भी ज्यूरिस्टिक पर्सन भी फाइल करता है, लेकिन इसके अंदर वो चीज नहीं आती क्योंकि रिटन स्टेटमेंट इज फाइल्ड इन रिबटल टू द एलिगेशंस, व्हाट एवर एलिगेशंस कंटेंड इन कंसाइज स्टेटमेंट, तो उसके अंदर जो रिटन स्टेटमेंट दैट विल बी फाइल्ड रिबटल ऑफ दोज एलिगेशंस, तो रिटन स्टेटमेंट भी नहीं आया, एफिडेविट भी नहीं आया। अच्छा, डॉक्यूमेंट भी आया, तो डॉक्यूमेंट के अंदर क्या, डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशंस आएगी, तो डॉक्यूमेंट के अंदर तो कोई ऐसी चीज नहीं होती, डॉक्यूमेंट के अंदर तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन डॉक्यूमेंट है क्या, हमें डॉक्यूमेंट को तो समझना है ना। हमने एक व्हाइट पेपर लिया, तो व्हाइट पेपर जब लिया तो व्हाइट पेपर व्हाइट पेपर, उसके अंदर हमने एक लिखा वन, दैट बिकम्स डॉक्यूमेंट, उसके अंदर कुछ परपोर्ट ही नहीं है, वन का मकसद ही नहीं है, लेकिन उसके अंदर हमने लिखा वन, दैट इज अ डॉक्यूमेंट। लेकिन उस सफेद पर्चे पे हमने एक एग्रीमेंट लिखी भाई, एग्रीमेंट ऑफ सेल, उसके अंदर पार्टीज का नाम लिखा और ट्रांजेक्शन लिखी और उसके अंदर टर्म्स और कंडीशंस हमने इनकॉर्पोरेट कर दिए, तो वो जो डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर वो बन गया इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि उसके अंदर सारी चीजें आ गई, तो वो चीज होती है डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट, लेकिन इसके अंदर तो कंसाइज स्टेटमेंट नहीं आएगी, तो इसके अंदर हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट निकाल दिया, रिटन स्टेटमेंट निकाल दिया, एफिडेविट निकाल दिया और प्लेंट पे हम आ गए। प्लेंट के अंदर कंसाइज स्टेटमेंट वो दाखिल होती है कि एक बंदा उसका वकील कोर्ट के अंदर एलिगेशन लगाता है भाई ये चीज हमारे साथ जुल्म हुआ, हमें रिट्रेस किया जाए, तो आप अपने कैलकुलेशन से, स्पीडली कैलकुलेशन से इस प्लेंट को रेटिंग करें, वो करेक्ट आंसर, यानी दिस इज आपका पढ़ा हुआ नहीं है, यू डोंट नो अबाउट द एक्चुअली आंसर एंड यू डोंट, यू आपको उसका पता भी नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपने
उसको प्लेट को कर दिया एक कॉमन सेंस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया इस एग्जामिनेशन का जो, क्योंकि इसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर ऑप्शन पे रेटिंग करनी होती, तो उसके अंदर आप अपने कॉमन सेंस से, इंटेलेक्चुअलिटी से उस करेक्ट रेटिंग पे पहुंच सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने उसको हिकमत अमली या उसके टेक्निक्स को एडॉप्ट किया। तो जैसे मैंने बताया, पहले आप उस क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन को समझें और ऑप्शन बाद में पढ़ें। हाँ, अगर ठीक है, अगर आपको दो ऑप्शन लास्ट वाले वो कहते हैं ये नहीं है या नहीं आते, आप उनको निकाल दें, जो समझते हैं पहला प्लेंट है या रिटन स्टेटमेंट है, फिर दोनों को रखें, क्योंकि उसके अंदर एफिडेविट में भी कंसाइज स्टेटमेंट नहीं आती और डॉक्यूमेंट में भी कंसाइज स्टेटमेंट नहीं आती। तो कंसाइज स्टेटमेंट या तो आएगी प्लेंट में या तो आए रिटन स्टेटमेंट में, तो आपने दो रखे। तो फिर अपने आप से फिर डिसाइड किया, भाई प्लेंट के अंदर जो है वो स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशंस तो लगेगी, लेकिन रिटन स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशंस जो प्लेंटिफ के होंगे उसका रिबटल होगा, तो रिटन स्टेटमेंट नहीं होगी, प्लेंट होगी। तो ये इस तरह से ये एक्सरसाइज है जो मैंने आपके लिए दी है, एंड आई होप दैट यू विल फाइंड इट मोर यूजफुल एंड बेनिफिशियल टू योर ऑनवर्ड सीक्वेंस ऑफ योर एग्जाम। नाउ वी प्रोसीड टू सेकंड राउंड व्हिच इज रिटन। अच्छा, रिटन का जो राउंड है वो उसकी अपनी एफिकेसी है, उसके मॉड्यूल्स क्या हैं वो जरा मुलाहिज़ा की। इट इज कॉल्ड हार्ड वर्कर्स राउंड। नंबर टू, यू हैव टू रिटन लॉन्ग डेफिनेशंस अंडर दिस राउंड। नंबर थ्री, यू आर सपोज टू राइट द डेफिनेशंस ऑफ लॉ एज पर स्टेट्यूट। नंबर फोर, योर इंग्लिश अप्रोच शुड बी गुड इनफ। नंबर फाइव, यू स्पेल्ड द आंसर ऑफ क्वेश्चन इन हेडिंग, सब हेडिंग, पॉइंट वाइज विथ एक्सप्लेनेशन, रिटन सीक्वेंस शुड बी इंटरेस्टिंग एंड अटेंशन ओरिएंटिंग। जो पढ़ने वाला हो वो इंटरेस्ट तो उसके अंदर आए, आपका जो टॉपिक है उसके अंदर हेडिंग सब हेडिंग होगी तो स्पेल्ड हो गया। अभी ये एक लॉन्ग डेफिनेशन पढ़कर वो बोर तो नहीं होगा, अभी देखेगा कि इसके अंदर जो करक्स जो मेनली क्वेश्चन का है, जिसने इनकॉर्पोरेट किया है, उसका उसके अंदर रिलेवेंस है, और रिलेवेंस है तो एग्जामिनर जो भी होगा वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा, और इंटरेस्ट के साथ जब पढ़ेगा तो आप अच्छी मार्क्स आपको देगा, एंड यू विल फेच गुड नंबर ऑफ द मार्क्स। यू शुड अटेम्प्ट द क्वेश्चन टू फेच द पासिंग मार्क्स। देखिए, इसके अंदर जो मैंने रिकमेंड किया कि आप पासिंग मार्क्स तक इसके अंदर जाएं, तो भाई मैक्सिमम जो 50 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है फॉर सिविल जज और 60 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है फॉर एडीजेशन, आप वो मार्क्स फेच करें, दैट इज सफिशिएंट। इफ यू आर सक्सेसफुल टू फेच 50 मार्क्स फॉर सीजे सिलेक्शन एंड 60 मार्क्स फॉर एडीजे सिलेक्शन ओनली, दैट इज इनफ। वन थिंग यू माइंड दैट This round is called risky and imaginary as nobody knows the number of the marks obtained so far. इसके अंदर पता नहीं चलता कि भाई हमारे marks कितने आए। Answer should be to the point and the timeline of the asked question. आप पहले question को समझें और उसके समझने के बाद फिर उसको लिखें। कभी कभार question situation based होता है, कभी कभार question statement based होता है, कभी कभार question में short note होता है, कभी कभार क्वेश्चन में लॉन्ग नोट होता है जिसके अंदर खाली लिखा जाता है नोट। तो इस तरह से क्वेश्चन का जो थर्स्ट है वो आपको समझना है, उसके बाद जवाब लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप इन सर्च को लिखा हुआ एक भाई शॉर्ट नोट आप दो पेज उसके अंदर लिखें, टाइम जाया करें, क्योंकि बड़ा एक लेंथी पेपर होता है, उसके अंदर हर एक ये कंप्लेन करता है पेपर लेंथी है, लेकिन ये कोई भी नहीं कहता तो उसके अंदर उस पेपर को हमें सक्सेसफुली अकम्प्लिश कैसे करना था, क्यों कहीं शॉर्ट डेफिनेशन होती हैं, कहीं मीडियम डेफिनेशंस होती हैं। लाजमी नहीं है कि हर डेफिनेशन लॉन्ग हो, क्योंकि जो क्वेश्चन आप पाता है उसको तो आप मजीद ज्यादा लिखेंगे, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, थर्स्ट निकले। अभी कोई क्वेश्चन करता है, सपोज कीजिए व्हाट आर दी प्रीरिक्विजिट्स ऑफ इंजंक्शन, तो इम्तिहान का क्वेश्चन है, तो देर आर थ्री प्रीरिक्विजिट्स, प्राइमा फेसी केस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, इरेपरेबल लॉस। अगर तीन आपने लिखी आपको मार्क्स मिलेंगी, अगर आपने उसके अगेंस्ट दो पेजेस भर दिए तो आपका टाइम जाया होगा, मेन क्वेश्चंस तो आपके रह जाएंगे, उस दो पेजेस में उसको मार्क्स को क्या देंगे, वही मार्क्स देंगे, देखेंगे तीन इंग्रेडिएंट्स हैं, उसको उसने एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लेनेशन तो उसने मांगी नहीं है। तो ये जरा ध्यान में रखना है रिटन पेपर के लिए। अवॉइड अननेसेसरी एंड लेंथी डेफिनेशंस टू मेक द आंसर पर्पसलेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूर राइटिंग शुड बी लेजिबल टू द इजी रीच ऑफ द एग्जामिनर।
क्योंकि आपकी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए जो पढ़ तो सके, क्योंकि टाइप टाइप्ड स्टफ तो है नहीं, टाइप्ड मटेरियल तो है नहीं आपको, तो हैंड रिटन जो भी है वो नोट्स या राइटिंग है, तो लेजिबल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए जो एग्जामिनर पढ़ सके। इफ यू सक्सेसफुली फॉलो द एबिड रूल्स यू विल फेच द पासिंग मार्क्स। नोट, वन इंपॉर्टेंट थिंग टू बी शेयर्ड विथ यू बिफोर प्रोसीडिंग टू थर्ड राउंड इज दैट योर मार्क्स ऑब्टेंड सो फार इन द स्क्रीनिंग और रिटन टेस्ट आर नॉट कैलकुलेटेड टू द टू मेक यू लिस्टेड मेरिट वाइज, हाउएवर दोज राउंड्स आर एम्ड एट टू मेक यू शॉर्ट लिस्टेड। अभी देखिए, जैसे हर राउंड्स के अंदर पंजाब हो, सिंध हो, बलोचिस्तान हो, थाउजेंड्स नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स आते हैं, लेकिन कुछ चंद सीटें होती हैं, 50 हो या 80 हो या 100, लेकिन नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स जो उसके अंदर कॉम्पीट करते हैं वो थाउजेंड्स में होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, थाउजेंड्स को तो इंटरव्यू नहीं करेंगे, शॉर्ट लिस्ट करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट में निकल गए, रिटर्न में निकल गए, आखिर में आ गए, तो स्क्रीनिंग और रिटर्न की मार्क्स काउंट नहीं करते, आपकी मेरिट बनती है बायोसी में। अगर बायोसी में आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपकी पोजीशन वहाँ बनेगी। ऐसा नहीं है कि आपकी वहाँ स्क्रीनिंग में आपकी 80 मार्क्स हैं और रिटर्न में आपकी 70 मार्क्स है या 80 मार्क्स हैं, वो आपकी बायोसी में कैलकुलेट होगी, नहीं, क्योंकि उसको तो शॉर्ट लिस्ट किया ना, आपको शॉर्ट लिस्ट करके एक ऐसे राउंड के अंदर ले गए जहाँ आपकी सिलेक्शन है, तो मेरिट जो लिस्ट है आपकी मेरिट वाइज वो आपकी इंट्री में बनेगी। थर्ड एंड लास्ट राउंड दैट इज बायोसी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट राउंड। फेस टू फेस आपकी मीटिंग हो रही है एक सिलेक्शन बोर्ड से, विच इज कंसिस्टिंग ऑफ 5 or 4 मेंबर्स हेडेड बाय चीफ जस्टिस। क्योंकि अभी जो भी सिविल जज IDJ का इम्तिहान है वो हाई कोर्ट कंडक्ट करती है, और सिलेक्शन बोर्ड ऑफ एवरी हाई कोर्ट थ्रू आउट पाकिस्तान हेडेड बाय चीफ जस्टिस। You are supposed to appear before the Chief Justice, who will examine you first. Now you are in the last round of selection. इसकी जो सारे modules हैं, links हैं, मैंने लिखी हैं. These are the type, or these will be useful to you. This round requires extraordinary planning to be selected there under. इसके अंदर planning की ज़रूरत है. Intelligent, come hard worker candidates can accomplish this round successfully. Number 4, it is called an interview, means face-to-face meeting of the candidate with members of the selection board. Number 5, you are being looked and examined as regards your external efficiency, which is to be explored through your performance. जो आपकी जो भी external efficiency है वो explore करेंगे, वो focus होगी, सामने आ जाएगी. You must be found equipped with the following qualities amid your interview. जो आपको टेस्ट करेंगे, जो क्वालिटीज देखेंगे वो ये है. Number 1, your outlook. You are sufficiently dressed up with light makeup to be looked fascinated. आप तैयार होकर जाएंगे, अच्छे कपड़े जो हैं, अगर नए हो, अगर आपकी अप्रोच में है तो नए बनाएं, कंप्लीट जो भी ड्रेस है, और कोट है, ब्लैक कोट है, वाइट ड्रेस है फीमेल्स के लिए, और मेल के लिए यानी फुल सूट है, ब्लैक कोट है, ब्लैक सूट है, ब्लैक टाई है, तो वो अच्छा या अच्छी तरह से धुला हुआ हो, अच्छा हो, क्योंकि उससे फैसिनेशन होती है, एक नई ड्रेस से लुक जो है वो चेंज हो जाता है. परफॉर्मेंस विद डिंट ऑफ कंसंट्रेशन ड्यूरिंग मेकिंग रिप्लाइज. आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, कॉन्फिडेंस हो, आप बिल्कुल ठीक ठाक तरह से आप परफॉर्म करेंगे. नंबर सी, डिलीवरी ऑफ वर्ड्स विद सीक्वेंस ऑफ टेम्पो. आपका टेम्पो मजबूत होना चाहिए, जो भी आप डिलीवर करें उन तक पहुंचे और वो आपको सुने. प्रेजेंटेशन, बोथ लीगल नॉलेज एंड अपियरेंस, दोनों की प्रेजेंटेशन, दोनों फोल्ड्स पे, ऑन बोथ फोल्ड्स आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, नॉलेज पे भी और आपकी अपियरेंस पे. कॉन्फिडेंस टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड मेकिंग क्विक रिप्लाई देयर एंड अप. ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन देखें और एक मिनट खामोश हो जाए, नो, दिस इज डिसक्वालिफिकेशन. आप क्वेश्चन देखें और देयर एंड देन रिप्लाई करें. अटेंशन ओरिएंटेशन, एवरी मेंबर मस्ट गो इम्प्रेस्ड. जो भी मेंबर्स हैं आपको टर्न पे एग्जामिन करेंगे, लेकिन हर मेंबर इम्प्रेस जाए, वो डिस्क्लोज करेंगे अपना इम्प्रेशन आपके सामने. इमीडिएट रिस्पॉन्स, response there and then immediate. If you are not certain for answer, mention sorry sir,
देयर एंड देन यू मेंशन सॉरी सर सो दैट दे मे गो ऑन अनदर क्वेश्चन. नहीं तो उस क्वेश्चन पे अगर आप सोचेंगे फिर कोई गलत आंसर देंगे फिर आपको क्रॉस करेंगे वो आपको डैमेज करेगा. सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लुक एट द फेस ऑफ वन इंटरव्यूइंग मेंबर टू रिप्लाई हिम फेस टू फेस अवॉइडिंग लुकिंग एट अदर मेंबर्स. पांच बैठे हुए हैं 1 2 3 4 5 आपको एक इंटरव्यू कर रहा है आप उसको देखें आप दूसरों को ना देखें क्योंकि उसको देखेंगे तो आपकी कंसंट्रेशन मजबूत होगी. दूसरों को देखेंगे आप बायफर्केट हो जाएंगे. बायफर्केटेशन या कंसंट्रेशन आपकी ब्रेक हुई तो आप इमीडिएटली वो टेम्पो मेंटेन नहीं कर सकेंगे. सेंस ऑफ प्रोपोर्शन मीन्स बी सबमिसिव हम्बल पोलाइट एंड स्माइलिंग वाइल मेकिंग एंसर्स. आप अपना टेम्पो या अपनी जो भी पेशेंस है या जो भी आपकी टेम्परामेंट है उसको आप मेंटेन करेंगे. एबिलिटी टू फेस द सिलेक्शन बोर्ड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन अंडरस्टैंड द आस्क्ड क्वेश्चन इन द फर्स्ट इंस्टेंस अवॉइडिंग टू गेटिंग द क्वेश्चन रिपीटेड. कभी कहता है सर व्हाट यू सेड सर दिस विल गो एडवर्स मीन्स यू डोंट ट्राई टू गेट दैट क्वेश्चन रिपीटेड फ्रॉम देयर माउथ. वो इस तरह से वो यानी एक ऐसी सिचुएशन डिस्गस्टेड सिचुएशन हो जाती है जो आप अवॉइड करें. दीज आर द बेस्ट टिप्स फॉर पासिंग ऑफ एन जुडिशियल कॉम्पिटेटिव एग्जाम. मोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एज रिगार्ड्स योर इंटरव्यू टेस्ट. इसके अलावा मोर जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए. जैसे आप हर लिहाज से यानी बिल्कुल यू शुड गो वेल इक्विप्ड विथ योर एवरी क्वालिटी एंड एवरी स्टेप सक्सेसफुल स्टेप to accomplish this examination in a sure success. Your 70% interview shall be covered from your exam written paper. Jo written paper hai na uska 70% entry mein aayega kyunki written paper inhone banaya hai jo aapko examine kar rahe hain to wo question written paper ke unke mind mein hai aur written paper wo hi banaya jata hai jo court ka procedure hota hai jo litigation court ke andar hoti hai special law ho ya local law ho law of limitation ho ya county shahat order ho wo questions unke zehen mein hote hain usi question se 70% questions jo hain wo wahan se puche jate hain. Number 2 your interview will be conducted in a pleasant and friendly atmosphere. Aapko kahenge gentlemen sit down gentlemen what is your introduction to aapko aise pleasant aur ek aise friendly atmosphere mein interview conduct karenge aapko hesitation ya wo jo ek complex hota hai वो नहीं होगा. सिलेक्शन बोर्ड विल एग्जामिन यू एट द टच स्टोन ऑफ योर एबिलिटी आउट ऑफ योर स्पोकन इंग्लिश एंड लीगल एक्यूमेन. इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि इंग्लिश जो है ना वो इंप्रेशन देती है तो आप उनको इंग्लिश और उसका प्रोनाउंसिएशन देट शुड बी बेस्ट इंप्रेशन वो लाइक करते हैं. इफ यू आर लकी इनफ टू रिकॉर्ड योर 50% करेक्ट इंटरव्यू यू आर सिलेक्टेड. From the mode and dealing of selection board, you will know the output of your interview and selection or otherwise. आखिर में जब आपको कहेंगे okay gentlemen, और we have interviewed you, तो आप सबके expression से face expression से समझेंगे. जब आप thank you करके खड़े होंगे और वापस जाएंगे तो face expression से आप समझ जाएंगे whether you are selected or not. In the last, valuable advice to be followed before you are interviewed. Valuable advice. You will wind up your VOC test study before 24 hours of its start. दूसरे दिन आपका इंटरव्यू है लेकिन 24 घंटे पहले आपको study give up करना. You will take at least 8 hours sound sleep in the night before your interview. 8 hours आपकी sound sleep होनी चाहिए. Before your interview, you will neither take full breakfast nor heavy lunch. Only refreshment with a light diet. क्योंकि drowsiness होगी. Drowsiness ज्यादा खाने से drowsiness होगी और drowsiness से क्या होता है कि आप perform नहीं कर सकेंगे. वो अल्फाज आपके पास नहीं होंगे जो आप deliver कर सकें. You will not talk, discuss or chit chat with anybody 1 hour before your interview. आप कोशिश मैंने 1 hour लिखा है यानी जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाएं उस वक्त थोड़ी लाइट किसी से बात करें ज्यादा नहीं करें क्योंकि बात करने से जो स्टोर होता है वर्ड्स का वो खाली होता है. उस वक्त आप स्टोर को महफूज और प्रिजर्व रखें क्योंकि वहां आपको इतनी बात करनी है तो इसीलिए वो आप कम बात करें. बात करें लेकिन कम करें ना करें तो और भी अच्छा है. दोज कैंडिडेट्स आर सक्सेसफुल हुज अपीयरेंस बाय द सिलेक्शन बोर्ड इज फाउंड इन
freshness, fully attentive, alert is concentrated. Selection board इनको appreciate करता है. These are the effective tips which anywhere used to be important to my students of LCC before their entry for interview. मैं अपने सेंटर के स्टूडेंट से ये जो टिप्स हैं वो शेयर करता था और वो तैयार होकर इस तरह से जाते थे तो वो बिल्कुल सक्सेसफुल आते थे और सिलेक्ट हो जाते थे. These are the same tips of my center, of my LCC, which I have shared with you on YouTube. Very important note in the last. In my onward videos on YouTube, more important material will be shared as screening, written, and YOC samples so that your chance to selection is found inevitable. If you find my videos helpful, you like them and subscribe to my channel so that you are benefited of my onward videos, best useful to your selection as judicial officers in a sure success. Best of luck and Allah.